Press the bell icon and never miss any updates from India Forums. Hey guys, this is Roshni Walia. Learn how to do makeup with me on India Forums. Roshni Walia, आप सबके प्यारी अजब्दे और आज इंडिया फोरम्स के साथ आई शो यू हाउ टू डू अ पार्टी लुक. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये सारे मेरे मेन प्रोडक्ट्स हैं जो मैं पार्टी लुक के लिए यूज़ करती हूँ. मेरी फेवरेट ब्रांड है काइली जेनर कॉस्मेटिक्स और उसका ये आई शैडो पैलेट मेरा फेवरेट है, द रॉयल पीच पैलेट, और उसके साथ ये वाला पैलेट. तो आज जो भी लुक होता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आई शैडो, क्योंकि सबसे पहले लोग आपकी आँखें देखते हैं. तो इसके लिए मेरी फेवरेट ब्राउ पैलेट है द रेवोल्यूशन आईब्रोज पैलेट और ये आज मेरे बहुत काम आने वाली है. सो लेट्स गेट रेडी फॉर द पार्टी टुनाइट. तो मेकअप शुरू करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी स्किन को हाइड्रेट करना और वही मैं अभी करने वाली हूँ. आई एम यूजिंग द फर्साली ऑयल जो इंडिया में नहीं मिलता है पर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. तो इसकी बस 2-3 ड्रॉप्स लेनी पड़ती हैं. ये बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन को बहुत हाइड्रेट करता है. इट डज नॉट मेक योर स्किन ऑयली. सो ऑल यू हैव टू डू नाउ इसको मसाज करना है और अच्छे से स्किन के अंदर डालना है सो दैट इट हाइड्रेट्स योर स्किन. I'm gonna use the concealer जो आपके under eyes को cover करता है और जो बहुत important होता है makeup में. तो ये Maybelline का है, ये आपको Nykaa में मिलता है पर usually Maybelline stores में India में अभी तक नहीं आया है, but you can get this online. हाँ sorry, मेरे आधे products बाहर के हैं. मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए. हमेशा अपना concealer triangle shape में करिए. अगर सर्कल में करोगे तो फिर अंडर आईज और चीक्स का टोन बिल्कुल अलग हो जाता है जो बिल्कुल मैच नहीं करता और फिर पता चल जाता है आपने मेकअप करा है. तो ये मैं हर जगह लगा रही हूँ जहाँ पे मुझे थोड़ा सा हाईलाइट चाहिए, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा फेयर टोन चाहिए और कुछ नहीं. और अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना कॉन्टोरिंग किट. बेसिकली ये भी Maybelline का है और ये आपको ऑनलाइन मिल सकता है. हम इसलिए लगाते हैं कि हमारा फेस का जो भी शेप होता है वो अच्छे से दिखे और हम अपनी शेप खुद से बना सकते हैं. इट्स वेरी इजी, ये मुझे बेस्ट पार्ट लगता है. ये यूजली आपके फेस को पतला करता है इसलिए मेरा फेवरेट पार्ट है वो. तो सब लोग यूजली ये सिर्फ यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं और यहाँ लगाते हैं, पर ये मैं अपने फोरहेड पर भी लगाती हूँ क्योंकि हमेशा हम जो फाउंडेशन लगाते हैं वो हमारे फोरहेड को और हाईलाइट करता है. एंड वी शुड ऑलवेज मेक आवर फोरहेड अ बिट स्मॉलर इन इन साइड ऑफ द लुक. ये इसका कंसीलर पार्ट है और ये मैं अपने लिप्स पे लगाऊंगी कि मेरे लिप्स ज़्यादा हाईलाइट हो. नाउ आई एम टेकिंग माई ब्यूटी ब्लेंडर एंड माई मेकअप फिक्सर स्प्रे और मैं इस पर थोड़ा सा स्प्रे करूँगी कि ये थोड़ा गीला हो जाए और ये थोड़ा ईजिली मिक्स हो जाए. अब मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन. तो मैंने अभी सिर्फ अपना कंसीलर कवर करा है, मैंने अपना कॉन्ट्योरिंग अभी मर्ज नहीं करी है क्योंकि वो मैं हमेशा फाउंडेशन के साथ करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो अलग से काला काला दिखे और फिर लोगों को लगे कि मैं अपना फेस पतला करने की कोशिश कर रही हूँ, जो सब करते हैं बट स्टिल. तो अभी मैं अपना मेबलिन का मैट नॉर्मल टू ऑयली स्किन फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ जो बहुत अच्छा होता है. बेसिकली मेरी स्किन थोड़ी ऑयली है, कभी कभी बहुत ऑयली हो जाती है और हमारे अभी बाहर का वेदर बहुत गर्म है और हमेशा हमारा मेकअप गिर जाता है, उतर जाता है और थोड़ा मैटिश हो जाता है जो अच्छा नहीं होता. इसीलिए मैंने अपने स्किन पे ऑयल लगाया था कि फिर वो अलग ना दिखे.
अब मैं करूँगी अपना फेस हाईलाइट, ओनली द चीक बोन्स एंड माई आईब्राउज. आई एम यूजिंग द आई वॉन्ट इट ऑल काइली कॉस्मेटिक्स बर्थडे एडिशन, और ये मेरा फेवरेट है. तो इसका मैं बस ये एरिया ले रही हूँ जहाँ पे बहुत ग्लिटर है. सबसे इम्पॉर्टेंट आई शैडो. नाउ आई यूज दिस पैलेट, और इसका मैं ये शेड और ये शेड और ये शेड मिक्स करूँगी बिकॉज आई वॉन्ट इट टू बी अ लिटिल ब्राउन. पार्टी मेकअप ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ग्लिटरी हो, कभी कभी यू कैन जस्ट कीप इट वेरी ब्राउनिश और सिंपल एंड मेक योर आई लाइनर लुक वेरी हैवी, बिकॉज हर कोई पार्टी में बहुत ग्लिटर लगा देता है और वो अच्छा नहीं लगता है. पार्टी मेकअप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी ग्लिटरी और शाइनी. यू कैन जस्ट यूज़ अ सिंपल पैलेट एंड जस्ट मेक योर आई लाइनर अ बिट हैवियर. अब हमारा आधा फेस हो चुका है, और मैं नहीं चाहती कि यू नो, जब आप फेस पे मेकअप करते हो तो आपकी नेक बहुत अलग लगती है, तो इसीलिए मैं हमेशा थोड़ा सा फाउंडेशन अपनी नेक पे लगाती हूँ, बहुत कम. अब सबसे मेन, सबसे इम्पॉर्टेंट और मेरा सबसे फेवरेट है आईब्राउज बनाना. उसके लिए मैं यही पैलेट यूज़ करूँगी, और मैं सबसे छोटा ब्रश लूँगी. लेट द लिप्स डू द टॉकिंग. सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पूरे फेस में होता है हमारे लिप्स, और उनको जब हम कलर करते हैं तो हमारा पूरा मेकअप का काम ख़त्म हो जाता है. सो आई एम गोना टेक वन ऑफ माई फेवरेट लिपस्टिक्स फ्रॉम हुदा पैलेट. I'm gonna use the red color because it's my favorite and we are doing a party look. Luckily, मेरे बाल हैं इतने लंबे और bouncy, तो मैं उनके साथ कोई experiment नहीं करने वाली हूँ. मैं इस बार ना ही straight करूँगी, ना ही curl, ना ही blow dry. मैं बस इनको कॉम करूँगी और खुला छोड़ दूँगी, सो दैट आई गेट अ लिटिल बिट ऑफ वॉल्यूम और बाउंसीनेस, बिकॉज नाउ इट्स अ फैशन ऑफ हैविंग मेसी हेयर, ट्रेंडी. Now it's time for the eyeliner. I'm using the Maybelline gel eyeliner because I like to make it and draw it myself. Liquid mein bahut risk hota hai ki wo gir jayega, wo phail jayega, aur isme hatana bahut easy hota hai. Now it's time for the contouring. मैं अपनी ब्राउ पैलेट का थोड़ा सा ब्राउन यूज कर रही हूँ. अब मैंने अपना फाउंडेशन मर्ज कर लिया है, और हाँ, स्क्रीन पर भी थोड़ा बहुत गोरा दिखेगा क्योंकि आपका मेकअप अभी फिक्स नहीं हुआ है, थोड़ा मर्ज नहीं हुआ स्किन से. तो अब मैं करूँगी बेकिंग, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके फेस के लिए और आपके मेकअप के लिए, नहीं तो आपका मेकअप उतर सकता है, और इसीलिए मैं कलर बार का बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ. अब है मस्कारा का टाइम, और मेरे पास 3 फेवरेट मस्कारास हैं मेरे. एक है बेबी डॉल फ्रॉम लॉरियल, एक है एसेंस फॉर बिग वॉल्यूम, एंड दिस वन इज़ फ्रॉम मेबेलिन विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट मस्कारास ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो मैं लूँगी बेबी डॉल बिकॉज आई नीड मोर ऑफ लॉन्गर लैशेज, क्योंकि मैं फेक आई लैशेज नहीं लगा रही हूँ. सो
सबसे इम्पोर्टेंट है अपने मेकअप को फिक्स करना, और अब मैं वही करने जा रही हूँ अपने मेकअप फिक्सर के साथ। ज़्यादा लाउड नहीं करा है, लैशेस नहीं लगाई और बहुत कुछ नहीं करा है, सो आई एम गोना वेयर अ वेरी शिमरी ड्रेस सो दैट माय ड्रेस लुक्स गुड। हे गाइस, आई एम ऑल सेट फॉर द पार्टी एंड आई होप यू लाइक दिस लवली सेगमेंट विद इंडिया फोरम्स। डू कमेंट बिलो एंड लेट मी नो ऑल योर रिव्यूज एंड योर ओपिनियंस। थैंक यू, आई विल सी यू ऑल सून। Roshni Walia, and you're watching me on India Forums.